युवा साथियों, कर्मचारी चयन बोर्ड अध्यक्ष हरिप्रसाद शर्मा जी ने जुलाई में इस्तीफा दे दिया था, लेकिन सूचना सहायक जूनियर अकाउंटेंट जो सितंबर में आयोजित होनी है, इन परीक्षाओं को लेकर युवा बेरोजगार परेशान है कि परीक्षा होगी नहीं होगी, कब होगी, चेयरमैन की नियुक्ति कब होगी, इनको लेकर बड़े असमंजस की स्थिति है, बेरोजगार परेशान है। साथियों, इसी को लेकर मैं आपको लोगों को बड़ी अपडेट के साथ आपको रूबरू कराने आया हूं कि साथियों, यदि इस वीक में कर्मचारी चयन बोर्ड अध्यक्ष की नियुक्ति हो जाती है तो कहीं ना कहीं 9 सितंबर या आगे पीछे कुछ दिन आगे होकर सितंबर में सूचना सहायक भर्ती परीक्षा आयोजित हो सकती है, ऐसी संभावना बताई जा रही है, और अक्टूबर में जूनियर अकाउंटेंट भर्ती परीक्षा आयोजित हो सकती है। 3 अगस्त को जब चेयरमैन मोदी जी से हमने मुलाकात की थी, हालांकि उनका इस्तीफा उनकी तरफ से दिया गया, लेकिन राज्य सरकार ने इस्तीफा मंजूर नहीं किया, लेकिन वो कार्य नहीं कर रहे हैं, वो कह रहे कि नया चेयरमैन ही इसकी प्रक्रिया शुरू करेगा इन भर्ती परीक्षाओं को लेकर, लेकिन उनका यह कहना था कि 17 तारीख को एक और एग्जाम होने की वजह से जूनियर अकाउंटेंट सितंबर में नहीं होगी, अक्टूबर में हो सकती है, नया चेयरमैन चाहिए तो। अब साथियों, सवाल यह है कि जो नया चेयरमैन आएगा उसके बाद सूचना सहायक भर्ती में कई तैयारियां तो बोर्ड ने कर दी, कई तैयारियां अभी बाकी है, क्योंकि 9 सितंबर को एग्जाम होने है, या फिर 17 तारीख या को सूचना सहायक हो जाए वो अक्टूबर में चली जाए यदि नया चेयरमैन चाहे तो, लेकिन यह स्थिति स्पष्ट होगी नई चेयरमैन के ऊपर। अब नई चेयरमैन की नियुक्ति कब होगी, सरकार की तरफ से इस पर विचार किया जा रहा है, कभी भी चेयरमैन की नियुक्ति हो सकती है। आज मैं मुख्यमंत्री जी के अधिकारियों से मुलाकात कर रहा हूं, तत्काल अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति की जाए जिससे भर्ती परीक्षाएं प्रभावित नहीं हो, जिससे परिणाम प्रभावित नहीं हो, जिससे विज्ञप्तियां प्रभावित नहीं हो, यह मैं प्रयास कर रहा हूं, और 10 तारीख को एक दिन का उपवास भी कर्मचारी चयन बोर्ड के बाहर मैं कर रहा हूं कि भर्ती परीक्षाएं प्रभावित नहीं हो, क्योंकि अक्टूबर में आचार संहिता लग जाएगी। तो साथियों, जो सूचना सहायक और जूनियर अकाउंटेंट भर्ती की परीक्षा की जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए स्पष्ट मैसेज यह है कि यदि इस वीक में यदि कर्मचारी चयन बोर्ड अध्यक्ष की नियुक्ति हो जाती है तो कहीं ना कहीं सितंबर में सूचना सहायक भर्ती परीक्षा आयोजित हो सकती है, 9 या आगे पीछे हो सकती है, और यदि देरी होती है तो मुझे नहीं लगता फिर सितंबर में सूचना सहायक भर्ती परीक्षा आयोजित होगी, वहीं अक्टूबर में जूनियर अकाउंटेंट भर्ती परीक्षा आयोजित हो सकती है, यह सब निर्भर है कर्मचारी चयन बोर्ड अध्यक्ष की नियुक्ति पर। मेरी तरफ से मैं पूरा प्रयास कर रहा हूं, तो साथी जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए यही मैसेज है कि ये वीक महत्वपूर्ण है दोनों भर्ती परीक्षाओं को लेकर। हालांकि 9 सितंबर की सूचना सहायक भर्ती परीक्षा आयोजित होने की संभावना कम है, लेकिन चेयरमैन के ऊपर है, वो तेज गति से कार्य करें कि हम तो ऑन टाइम करवाएं तो हो सकते हैं, अन्यथा 10-15 दिन यानी कि 17 तारीख को हो जाए तो, क्योंकि उनके ऊपर निर्भर है, क्योंकि जब चेयरमैन से जो वर्तमान है जिनके इस्तीफा जिनका इस्तीफा मंजूर नहीं है उनका कहना है कि हम भी सहयोग करने के लिए तैयार हैं, वो चाहे जो नया अध्यक्ष है तो समय पे हो सकती है, और या सितंबर 17 सितंबर हो सकती है, लेकिन जूनियर अकाउंटेंट अक्टूबर में जा सकती है। अब सब कुछ निर्भर है नए अध्यक्ष के ऊपर, और नए अध्यक्ष के लिए मैं पूरा प्रयास कर रहा हूं। इसके अलावा पीटीआई भर्ती में जो चयनित अभ्यर्थी हैं उनका जो कई लोगों का चयन थर्ड सूची में हुआ था उनका विकल्प 8-9 तारीख को मांग लिए गए, और मैं कोशिश करूंगा गुरुवार शुक्रवार तक उनके जिला उनका नियुक्ति आदेश हो, लेकिन संभावना कम है अगले वीक में उनके जिला उनका नियुक्ति आदेश जारी हो जाएंगे। पीटीआई भर्ती के चयनित अभ्यर्थी इसी महीने में स्कूलों में होंगे। नई रीट पात्रता परीक्षा के लिए लगातार हम प्रयास कर रहे हैं, आज जब मुलाकात होगी तो नई रीट पात्रता परीक्षा को लेकर भी बात होगी कि जल्द से जल्द विज्ञप्ति जारी हो, परीक्षा तिथि जारी हो, वहीं 1,00,000 भर्ती परीक्षाओं का कैलेंडर जारी हो जिसके लिए हमारा प्रयास जारी है, क्योंकि लगातार हम संघर्ष करें 1,00,000 भर्तियों, क्योंकि आचार संहिता अक्टूबर में लग जाएगी, कम से कम उनकी विज्ञप्ति विभाग वाइज वर्गीकरण उनका कैलेंडर जारी हो जिसके लिए मैं प्रयास कर रहा हूं। साथियों, जो अध्यापक भर्ती 48,000 पदों पर जब आज मुलाकात होगी तो और अतिरिक्त कर्मचारी लगाकर तत्काल अध्यापक भर्ती में चयनित 48,000 लोगों की ज्वाइनिंग हो, फर्स्ट ग्रेड की भी जल्द से जल्द ज्वाइनिंग हो ये भी हम प्रयास करेंगे, और सेकंड ग्रेड की भी ज्वाइनिंग जल्द से जल्द हो हम ये भी प्रयास करेंगे। जो लोग मांग कर रहे हैं 4500 पदों को जोड़ने की, वो मांग भी मैं मुख्यमंत्री जी के अधिकारियों के सामने आज रखूंगा। साथियों, हर भर्ती परीक्षा के लिए हम लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं। फायरमैन वन रक्षक भर्ती का परिणाम जारी हो जिसके लिए मैं 10 अगस्त को 11 बजे कर्मचारी चयन बोर्ड पर उपवास शुरू करूंगा, एक दिन का उपवास होगा, तमाम अभ्यर्थी पहुंच सकते हैं, चाहे वो फायरमैन भर्ती या वन रक्षक भर्ती का परिणाम का इंतजार कर रहा हूं, और जो चाहता हूं कि भर्ती परीक्षा प्रभावित नहीं हो, नई भर्तियों की विज्ञप्तियां जारी हो, परिणाम जारी हो, चाहे अध्यापक भर्ती का हो चाहे अन्य भर्तियों का, वो भी 10 अगस्त को सुबह 11 बजे कर्मचारी चयन बोर्ड अधिक से अधिक संख्या में पहुंचे, क्योंकि जब तक नई अध्यक्ष की नियुक्ति नहीं होगी, सदस्यों की नियुक्ति नहीं होगी, तो ये भर्ती परीक्षाएं सही सुचारू रूप से नहीं हो पाएगी। तेज गति से भर्ती परीक्षाएं हो, चुनाव आचार संहिता भी भर्तियां नहीं हटके, चाहे वो आरपीएससी को चाहे कर्मचारी चयन बोर्ड की हो, और जो प्रकाधीन 1,00,000 भर्तियों को पूरी करने के साथ साथ नई 1,00,000 भर्तियों का कैलेंडर जारी हो, सबको लेकर 10
अगस्त को मैं कर्मचारी चयन बोर्ड एक दिन का उपवास रख रहा हूँ, तमाम लोग आ पहुंचे। उम्मीद है राज्य सरकार इस वीक में कहीं ना कहीं नई चेयरमैन की घोषणा कर सकती है। लगातार हम प्रयास कर रहे हैं, 3 अगस्त को घेराव भी किया था लेकिन भर्ती परीक्षाएं प्रभावित नहीं हुई, युवाओं को न्याय मिले। मैं 10 अगस्त को सुबह 11 बजे उपवास शुरू करूंगा, तमाम युवा भर्ती 10 अगस्त को सुबह 10 बजे अधिक से अधिक संख्या में पहुंचे और आज मजबूती से चाहे वो चेयरमैन की नियुक्ति हो, चाहे रीट पात्रता परीक्षा हो, चाहे लंबित 1 लाख भर्ती हो, चाहे नहीं 1 लाख भर्ती हो, तमाम मांगों को मैं मजबूती से रखूंगा जिससे युवाओं को न्याय मिले। धन्यवाद।